अरे लालो पुसकी संतान राजपूत है, कोई कछुआ राठौड़ बड़गुजर सिकरवार सिसोदिया गैलोत गैलबार एक बार चंदेल भाटी होंड पुंडरी कटेरिया स्वागवंश वेश परियार परमार चौहान सोलंकी चंद्रावत थाड़ा सोनगरा झाला पवार डोडिया उमट देवड़ा डाबी चावड़ा हीराबत बिकावत चुंडावत सक्तावत जादोन तवर खींची गोड़। इन्हीं राजपूतों में सबसे ज्यादा साग का पवार है, 36 वंशों में 36 साग का पवार। भाई बन जगदेव पवार धारका पवार मेफावत पवार डोड पवार सोना पवार लिंबोदिया पवार खागला पवार ओड पवार कलमा पवार जलाल पवार अखोल पवार से लेके साखला पवार अर्गेतावत जेतावत रत्नावत पिपावत साकाई 36 साख का पवार है। सबसे कम साख का डोरिया है जादुन की दो साखे तो झाला 3.5 साख का है। डाबी की 4 साखे परियार की 5 साखे सोलंग की 16 साख राठौड़ 12.5 उमड़ 12.5 तवर 12.5 सिसोदिया 24 साख चौहान 24 कछुआ 24 चावड़ा की 24 साखे। पर राजपूत वही कहलावे जिसने कर्म धर्म वचन न तोड़े, नहीं तो राजपूत का कपड़ा भांड पहन ले फिर राजपूत थोड़ी हो गए। अरे उन्हीं राजपूतों के बारे में क्या बताना, निकल गई आते रुका नहीं कट गया सर जिसका झुका नहीं बिना शीश रण में लड़े वो राजपूत कहलाना। इतिहास भी गवाए राजपूतों को सिर्फ धोखे से मारा है, नहीं तो जिस पठान का रण के बीच पड़ गया पाला महाराणा की तलवार ने घोड़ा समेत काट डाला। जो स्वयं राम के वंशज लौलो कुश लौलो कुश की संतान है तो 12 पीढ़ी सुन लीजिए दरबार। लौलो कुश के पिता का नाम राम, राम के पिता का नाम दशरथ, दशरथ के पिता का नाम आजज, के पिता का नाम रघु, रघु के पिता का नाम दिलीप, दिलीप के पिता का नाम भागीरथ, भागीरथ के पिता का नाम सगर, सगर के पिता का नाम धूमराज, धूमराज के पिता का नाम कुकुच, कुकुच के पिता का नाम रोहिदास, रोहिदास के पिता का नाम हरिचंद राजा। तो दरबारों में सबसे बड़ा दरबार राम दरबार, उनके बाद में राजपूत दरबार, तो रावला का मारा योगेंद्र सिंह दरबार, सुन्नी जो द्वारका दिन पिपलोदा का मेफावत सरदार। अरे आसमान में कितने तारे हैं चांद ना छुपे, सूरज की रोशनी से धरती ना छुपे, ना रंग छुपे ना राजपूत छुपे, वो राजपूतों की वंशावली सुन लीजो। अरे इतिहासों में लिखी ऐसी गोरो गाथा है, शास्त्र कहते हैं छत्री विधाता है, राणा सांगा वीर अमी जयमल राणा प्रताप तुम्ही, तुम्ही ने देश की रक्षा करी गुवाहाटी चुआन तुम्ही, मार दिया मोहम्मद गोरी गजनबी को पृथ्वीराज खिलाड़ी हो, अकबर के सामने झुका नहीं वो मेवाड़ी हो, वचन की डोर संभाल रखी दुर्गादास बापू राठौड़ो, तो वीर विक्रमा सावंत लिखने वाले विक्रमादित्य हो। अरे गोरा बादल चाचा भतीजे गौरक्षा के चेले हैं, आला उदल जिन्होंने बड़े बड़े दुश्मन ढकेले हैं, तो वजूद क्या मिटाए जमाना राजपूतों के नाम का, जो खुद मर मिट गए धरती माता के नाम का, एक नया राजपूत जागियो तो जीवन सिंह शेरपुर, जिन्होंने भोपाल जम्बूरी मैदान में जंग सैलाब ला दियो, लाखों की जनसंख्या इकट्ठी करके भाई भाई को परिचय दे दियो। पर राजपूत सरदार सुन लीजो, जब जब घर फूटा है पड़ोसियों ने लूटा है, अब घर नहीं फूटना चाहिए, एकता का परिचय दिया है तो जागी जाजो, नहीं तो राजपूत समाज को इतिहास नरी समाज ने चुरा लियो। जिनकी पहली लड़ाई फरक्काबाद की, दूसरी लड़ाई जूना मंदसौर, तीसरी लड़ाई बूंदी कोटा की, चौथी लड़ाई चंबलना, पांचवी लड़ाई मैसर मल्लेश्वर, मैसर मल्लेश्वर के उधर मामा लोगों का इलाका, जहाँ जहाँ राजपूत लड़ता गया वहाँ उनका ठिकाना बसता गया। चोमेला तहसील झाला की, सीतामो तहसील राठौड़ की, विक्रमगढ़ और सोलंकी को, अपना स्वासरा तहसील पूरी देवड़ा की, गरोड़ तहसील चंद्रावत दरबार की, उज्जैन धार देवास पवार का राजघराना, तनोड़िया पिपलन खुड़ झुमकी बोलिया गुणाखेड़ी गुंदीकला रावणखेड़ी खाकरा मिर्गा रणायरा आलाड़ा सोमचेड़ी निपानिया सुंदर सी राठौड़ अपन बिसाखेड़ी राठौड़ परवार कहलाना। तो दरबार सुन लीजो, गुगाड़ा भूमका कल्लावन नरवर कचनारिया पालखंदा टिगरिया बेरागढ़ बांगर दताना मताना मकवाना झाला है। सूर्या गोठरा सेमलखेड़ी सुईगांव ददोड़ा किलोना रिची ताकला लालू खेड़ी सुई बोर्ड गुजरगांव देरिया मैना खनोट छोटा खारपा बड़ा खारपा फरिया खेड़ी कोठरी गोलाबारी रामपुरा कायथा भ्याना कमालपुर मलवासा लकुमड़ी से लीके निपानिया का ठिकाना सिसोदिया बसिया है। सोनखेड़ा बड़खेड़ा देवरी संगा कालिया खेड़ी चांदनी नानी बिकनपुरा सिमरोल मुंडला जागीर गांव खेड़ी बड़बेली उमड़ दरबार बसिया है। कांकरिया बड़गोलिया काला पिपल गुनाखेड़ी भाड़खेड़ा अम्बादा से लीके मधुसूदनगढ़ कंजई का राजघराना खींची दरबारों का ठिकाना है हुकम। तो अपने दत्रावदा झाड़मो मोहन खोकरिया भंडावत चिल्लावत रामगढ़ लखुनी हमलड़ावला जाएगी सोया सुसने धरोला रावली डोंगरगांव भड़किया रनिया स्वागपुर गढ़गज से सिरपुई का ठिकाना सोनगरा सरदार बसिया है।
हर रियासतें अलग अलग है पर राजपूत वही कहलावे जिसने करम धर्म नहीं तोड़े। अभी भी राजपूतों की शान है, रावलो छोटो है पर गेट हमेशा मोटो है, जिसका लोहागढ़ किला गेट मजबूत वो राजपूत। तो आले राव भाले राव तुका राव देवास में उज्जैन में राजा विक्रमादित्य बसा है, भूलकर स्टेट इंदौर का ठिकाना है, तो धार में पवारों का राजघराना है, डोरिया अपना ताल मंडावर डोरियाओं का ठिकाना है, तुवर चैन सिंह रंगना नरसिंहगढ़ ब्यावरा पचोर माचलपुर राजगढ़ उमड़ का ठिकाना है, खिलचीपुर में खिची है तो मदन सिंह झाला झालावाड़ का राजघराना, कुंबलगढ़ मेवाड़ में महाराणा मारवाड़ राठौड़, बीकानेर बीकावत जोधपुर जोदाना जैसलमेर भाटी जालोर का ठिकाना सोनगरा, बूंदी कोटा हाड़ा मंडोर गढ़ परियार, गुजरात में सोलंकी पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का आगरा का जादौन जयपुर में कछुआ पाटन में चावड़ा सिरोही में देवड़ा सीकरी में सिखरवा आजमगढ़ चालू का राजघराना, चावड़ा की रियासत बड़ो ठिकानों पठारी है, पठारी से लिखे टोक का राजघराना, हरनावदा से लिखे आगरोध और अपना नजरपुर या चावड़ा दरबार कहलाना, ताजपुर उमरिया कंथारिया सिया बड़ोली का राजघराना से लिखे खातेखेड़ी नंदेल पानखेड़ी द्वारकाधीश पिपलोदा से लिखे बड़े लसूड़िया का ठिकाना पवारों की जागीरी, हर राजघराना याद है लिफाफा इस तरह खेम बता नहीं सकते बेटो खेमना।